A very good morning to all. I hope you all are fine. In our today's class, we will start exercise number 7 and the question is question number 1. Write the numerals for the given expanded form. Yani expanded jo form ya, here are some expanded form. The digit is expanded form and we will write the numbers, the expanded form numbers in numerals form. हमें किस में लिखना है इसको? न्यूमरल फॉर्म में राइट डाउन करना है. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ए. ये क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर नंबर को हमें डिस्क्राइब करके, मतलब उसको फैलाकर जो हम लिखते हैं वो होती है एक्सपेंडेड फॉर्म. इस तरीके से अब इसको हमें लिखना है न्यूमरल्स फॉर्म में. न्यूमरल्स फॉर्म मतलब एक तरीके से इसको क्या है, ये जो फैली हुई जो डिजिट है उसको हमें एक्सपेंडेड को किस में, न्यूमरल्स में लिखना है. नंबर्स न्यूमरल्स का मीन्स इस तरीके से 7, 6, 4, 9 इस तरीके से. ठीक है, ये होती है न्यूमरल फॉर्म. क्वेश्चन नंबर ए, 40,000, 3,240 and 2. इसमें हमें क्या करना है, हर डिजिट का फर्स्ट नंबर लेना है. 40,000 का 4 लिखा है यहाँ पे. ओके, 40,000 से बिफोर. अब इसमें क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है, अगर ये होता है 40,000 से बिफोर अगर 1,000 वाली डिजिट आती है, 10,000 वाली डिजिट हो गई ये 40,000, इससे बिफोर कौन सी डिजिट आती है, 1,000 वाली. अगर यहाँ पे 1,000 वाली डिजिट ना होकर डायरेक्ट ये नहीं होती, ठीक है, 40,000 के बाद डायरेक्ट ये वाली डिजिट होती है, 100 वाली डिजिट होती है, यानी 1,000 वाली डिजिट नहीं होती, तो हम यहाँ पे क्या लगाते, वी विल यूज़ 0. ओके, बट अगर यहाँ पे अभी 1,000 वाली डिजिट है तो हम यहाँ पे एज ए तब कुछ नहीं करेंगे, तब हम ऑनली इसका स्टार्टिंग नंबर लिखेंगे. यहाँ इसका स्टार्टिंग नंबर लिख दिया 4, इसका भी स्टार्टिंग नंबर लिख देंगे 3, इसका भी स्टार्टिंग नंबर 2 एंड इसका 4 एंड लास्ट 2. दिस इज़ द न्यूमरल फॉर्म 43,242. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 70,000 का 7, वी राइट 7. 6, 5, 3 and 9, 76,539. Next, come to the question number E, 50,20,750. So, we write 5. 50 lakh से before क्या आता है? Place according to place value 1s, 10s, 100, 1,000, 10,000, 1 lakh and then 10 lakh. ओके, तो इसमें क्या 10 lakh वाली डिजिट है ये 50 lakh. ओके, तो यहाँ पे हमने 5 लिखा, देन उसके बाद लैख 1 lakh वाली डिजिट आती है. 1 lakh वाली यहाँ पे आपको नज़र आ रही है? नो. तो अब यहाँ पे 1 lakh वाली डिजिट नहीं है तो हम उसका 0 लगा देंगे. अगर कोई डिजिट मिसिंग होगी, ठीक है, तो उसमें हम 0 यूज़ करेंगे. देन उसके बाद 1 lakh के बाद 10,000 वाली डिजिट आती है, तो 10,000 में 20,000 है, 20,000 10,000 वाली डिजिट्स में ही तो प्लेस वैल्यू में ही तो आती है, तो हम यहाँ पे इसका 2 लिखेंगे, तब हम कोई 0 का यूज़ नहीं करेंगे. देन उसके बाद 10,000 की डिजिट से बिफोर कौन सा नंबर आती है प्लेस, 1,000 वाली. 1,000 वाली डिजिट नहीं है, डायरेक्ट 100 वाली आ रही है, तो उसका भी हम 0 लगा देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद 100 आता है, तो 100 की है डिजिट, तो इसका हम सिर्फ 7 लिखेंगे. देन उसके बाद 50, तो 50 क्या हो गया, टेंस वाली डिजिट है, तो इसको एज इट इज़ हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से 50 का 50. ओके, सो आप इसको रीड करते जाए, 1s, 10s, 100, 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, 50,20,750. नेक्स्ट 20,000 का हम यहाँ लिखेंगे 2. 20,000 से बिफोर कौन सी प्लेस वैल्यू आती है, 1,000 वाली. 1,000 वाली है यहाँ पे, नहीं है, तो उसके लिए हम अगर कोई नहीं होगा नंबर तो वहाँ पे 0 का यूज़ करेंगे. फिर उसके बिफोर 1,000 से बिफोर 100 वाली, तो 100 वाली है यहाँ पे, उसका हम 4 लिख देंगे. फिर उसके बाद देन 100 से बिफोर आती है टेंस वाली, तो टेंस वाली है, वंस वाली नहीं है, तो उसके लिए हम 0 का यूज़ करेंगे. तो 20,430,
ओके, आई होप यू ऑल द स्टूडेंट अंडरस्टूड दिस टॉपिक. थैंक यू.